हेलो गाइस, वेलकम टू कंपटीशन दुनिया विद अमन। मैं हूं अमन दोस्तों, और जैसा कि आप सबको मालूम होगा, आज है 9 जनवरी और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोपहर को करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास। तो ये वीडियो है दोस्तों, द एनालिसिस ऑफ जेईई मेंस 2019। जी हां दोस्तों, आज जेईई मेंस 2019 का एग्जाम था, तो मैंने काफी दोस्तों से और काफी दोस्तों के फ्रेंड्स वगैरह से, भाइयों से, और भी जो मेरे कांटेक्ट में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में है स्टूडेंट्स, उन सब के एनालिसिस रिपोर्ट आ चुकी है, सबकी डिटेल्स। क्योंकि देखिए एग्जाम जैसे होता है, सब अपना अपना रिव्यू और सब अपना अपना एनालिसिस देते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं। तो मैंने भी करीब करीब 8 से 10 बंदों से बात किया, बहुत सारे मैसेजेस एंड बहुत सारे ग्रुप्स के कमेंट्स को देखा है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूं। तो क्या रहा जेईई मेंस एनालिसिस 2019 9 जनवरी का, आने वाले टाइम जो कि आपको 10 जनवरी, 11 जनवरी एंड 12 जनवरी को भी ये एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, ये छोटी सी वीडियो में हम लोग पूरी को चीजों को कवर करेंगे। और दोस्तों जेईई मेंस की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए, कट ऑफ नहीं, मैं हमेशा कहता हूं गुड मार्क्स। लास्ट ईयर मैंने कहा हुआ था 84 to 85 मार्क्स, और देखिए 81 गया हुआ था। तो मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, कुछ बच्चों ने कहा था कि नहीं इतना नहीं जाएगा, मैंने कहा था कि बिल्कुल इतना जाएगा, क्योंकि वो समय चला गया 2014-15-16 में, वो 110-115 हुआ करता था, बहुत सारी कारण, और सबसे बड़ी रोल जो इस बार नॉर्मलाइजेशन प्ले करेगी। तो सारी चीजों को मैंने नेक्स्ट वीडियो बताया था, आप चैनल पे जाके वो भी देख सकते हो। इस वीडियो में बात करते हैं क्या रहा जेईई मेंस एनालिसिस 2019 का। तो देखिए पेपर जो था वो हर बार की तरह मॉडरेट था। जी हाँ दोस्तों, मॉडरेट था। अब कुछ लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे, कुछ लोग एग्री करेंगे, देखिए आप कई सारे वीडियोस देखोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हर बार का ये पैटर्न होता है कि आपको इन द 90 क्वेश्चंस आपको 3 फेज में उसे डिवाइड किया जाता है। और मैं ये भी कह दूं कि जिनका आने वाला एग्जाम है 9, 10, 11, 12 को, प्लीज डीमोटिवेट ना हो अलग अलग वीडियोस देख करके कि यार क्वेश्चंस बहुत टफ थे। देखिए 3 बातें होती है, मैं आपको बता दूं। पहली बात, आप कई सारे वीडियोस देखोगे जिसमें बताया जाएगा आपको कि क्वेश्चंस बहुत टफ थे, क्वेश्चंस इजी थे, तो आपको उससे अपने माइंडसेट को नहीं चेंज करना है, क्योंकि इन द एग्जाम कमिंग डेज आपके एग्जाम है। अगर आपके एग्जाम से जस्ट प्रायर, आपके एक दिन पहले, इफ यू चेंज योर माइंड, देन इट इज गोइंग टू पुट यू इन डिफिकल्टी वाइल सॉल्विंग, बिकॉज माइंडसेट सबसे बड़ी चीज होती है। सेकेंड चीज जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके फ्रेंड्स जिनका अच्छा गया होगा वो तो बोलेंगे नहीं क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, लेकिन जिनका अच्छा नहीं गया होगा इन केस, क्योंकि देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आपके, किन्हीं का 9 को एग्जाम है, किन्हीं का 10 को, किन्हीं का 11 को, किन्हीं का 12 को, तो वो बोलेंगे नहीं क्वेश्चन टफ था, क्योंकि अगर उनसे नहीं बना तो क्वेश्चन टफ था, बहुत हार्ड इस बार पूछ रहा है यार, ऐसे वैसे, तो देन यू विल बी इन फियर, मतलब आप डर जाओगे शुरू में ही, तो आपके एग्जाम वैसे भी अच्छी नहीं जाने। तो आप ये सब बातों को निकाल दो, हर बार की तरह क्वेश्चन वाज इजी, हाँ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे तो वो ऑब्वियस थे। डिटेल्ड वीडियोस भी आएंगी दोस्तों, क्वेश्चन वाइज डिस्कशन करेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तुरंत एग्जाम खत्म हुई है, तो ये एनालिसिस है जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है और आने वाले दिनों में जस्ट एग्जाम है, क्योंकि वो अभी क्वेश्चन जानकर कुछ नहीं करेंगे, आपको ये कंसेप्ट समझना है। तो इन 90 क्वेश्चन दोस्तों देखिए 45 to 55 वो इजी टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इजी इन द सेंस कि मतलब आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। 10 to 15 दोस्तों होता है हार्ड, हार्ड होता है मतलब आपको अपना एनालिसिस, आपको अपना जो बेस्ट है वो देना पड़ेगा। इसके बीच में दोस्तों नियर अबाउंड 30 क्वेश्चंस, ठीक है, 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको आप मान सकते हो मॉडरेट टाइप होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, बेसिकली 45 और 30 मतलब आप अगर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर के जाओगे तो आप 65+ बिल्कुल करके आओगे, आई गारंटी यू दैट, मैं ये गारंटी करता हूं। आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी है 65+, आप पास करते हैं 11-12 की क्या रेशियो रही, जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया। तो बेसिकली दोस्तों 55% क्वेश्चंस अप्रोक्स थे आपको क्लास 11 से, और 40 to 50% आप मान सकते हो नियर अबाउट थे आपको क्लास 12 से। तो मैंने हमेशा से कहा है कि क्लास 11 एंड क्लास 12 हमेशा लगभग इक्विवेलेंट चलती है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे थे। तो बेसिकली दोस्तों केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हर बार की तरह इजी थे, केमिस्ट्री वाज क्वाइट इजी, मैथमेटिकल थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, आपको थोड़ी कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, और फिजिक्स हल्का ट्रिकी था, लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन ट्रिकी था, वो क्वेश्चन इसलिए हल्का ट्रिकी दिया जाता है कि इस कैटेगरी के अंदर आता है वो 4 से 5 क्वेश्चन फिजिक्स में, 4 से 5 क्वेश्चन ये मैथ्स और केमिस्ट्री में, 1-2 रहता है, हार्ड हार्ड नहीं होता केमिस्ट्री में, इस वजह से दिया जाता है कि सारे बंदे अगर बेस्ट परफॉर्म करेंगे तो इस वजह से दिया जाता है कि ये देखा जा सके कि कौन से स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा टैलेंटेड या वो अपना एप्लीकेशन माइंड अप्लाई करते हैं और एप्लीकेटिव बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड
60-65 प्लस अगर आपने स्कोर किया, अगर आपने सही किया तो दैट्स गुड। और जिनका भी आने वाला एग्जाम है दोस्तों, मेरी बातों को फोकस करना, निगेटिविटी माइंड में मत लाना, ये पैटर्न ही रहने वाला। आप देखिए एग्जाम से एक दिन पहले तो आप क्वेश्चन गेस नहीं कर सकते या क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हो, इन सब बातों को समझो। हमेशा से ये रहता है इस माइंडसेट के साथ, जाओ नहीं आई कैन डू दैट, और आप कर पाओगे, बिकॉज देख सकते हो आप क्वेश्चन इजी एंड मॉडरेट लेवल का रहता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये स्मॉल एंड ब्रीफ एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आप सभी अगर डिमांड रही तो मैं जो जेई मेंस होने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड मैं उसके लिए भी मैं एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करा दूंगा। और अगर तो सबको नहीं मालूम है तो आप मैं बता दूं दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो फ्री कोर्सेज एंड लेक्चर्स के लिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, देन यू कैन इजिली डाउनलोड कॉल मी फॉर ऐप एंड आप उनसे बात कर सकते हो। तो इसी बात के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूं, और आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, एंड कट ऑफ वाली वीडियो भी आप देख सकते हो हमारे चैनल पे जाकर के। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, एंड आई होप टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।